वेलकम माई यूट्यूब चैनल टीके क्लियर्ड ब्लॉग चैनल में आप सबको स्वागत है। आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज देखेंगे फाइबर का डाई से पूरा अर्नामेंट्स का सेट कैसे बनाया जाता वो आज देखेंगे। मतलब बहुत दोस्त को कंफ्यूजन है जो फाइबर का डाई से मिट्टी का प्रोडक्शन होगा क्या नहीं होगा, मिट्टी का डिजाइन निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, इसका कंफ्यूजन में बहुत सारा दोस्त रहते हैं। आज लाइव देखने वाला हूँ डायरेक्ट फाइबर का डाई से मिट्टी का डिजाइन निकलने का प्रोसेस। देखिए एक पीस निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी वो पहले क्राउन का क्या हार का डिजाइन निकला, वो जो पहले जो डिजाइन मैं उठाया उसको मुकुट का पीछे का हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं और गले का हार में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो निकलने जा रहा हूँ ये मुकुट का डिजाइन। इस सेट में टोटल 18 डिजाइन रहेगा, तो आप गौर से और ध्यान से देखिएगा, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और घर बैठ के ऐसा वाला डाई मंगा के उसमें से आप आराम से पीस निकल सकते हैं। ये मोल्ड का एक खूबिया यही है, आप किधर भी इसको कैरी करके कर ले सकते हैं, किधर भी लेके जा सकते हैं, कोई वजन नहीं है। दूसरा बात यही है, ट्रेवलिंग की दर्वन ये टूटने वाला नहीं है। देखिए ये मुकुट का पीछे का हिस्सा और ये मुकुट का हिस्सा बन चुका है फाइबर का डाई। अभी गले का हार का सेट बनाएंगे। देखिए आप लाइव देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अगर आपका पास ऐसे खाली डाई से निकलना बहुत दिक्कत आते है तो आप एक काम कीजिए, आप फेंचक पाउडर का कपड़ा का अंदर फेंचक पाउडर का पोटला बना लीजिए, उसके बाद ऐसे डाई के ऊपर थोप दीजिए। पाउडर थोपने का बाद आप आराम से कौन सा भी पीस निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर खाली डाई से डायरेक्ट आपको पीस निकलना बहुत दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट पाउडर डाल के भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज बहुत दोस्त को कंफ्यूजन दूर होने वाला है, आप लाइव देख पा रहा है मैं डायरेक्ट कैसे फाइबर का डाई से मिट्टी का डिजाइन बना रहा हूँ। तो आपका ऐसा वाला डाई अगर आप घर बैठ के पूरा सेटअप मंगाना चाहते हैं तो आप कृपया करके कॉल कीजिएगा, आपको कैश ऑन डिलीवरी में आपका घर तक छोड़ दिया जाएगा ऐसा वाला डिजाइन का डाई। अच्छा से लूज कर लेना पड़ेगा, पहले मिट्टी दबाने का पहले लूज कर लेना पड़ेगा। और एक बात है, इसमें कितना भी प्रेशर डाल के आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है जो टूट जाएगा। पेरिस का डाई में डर रहता, अगर आप जो लोग मूर्ति का काम करते हैं उनको शायद पता होगा साल में आपका कितना डाई टूट जाता है। टूटने का मतलब पेरिस उतना स्ट्रांग नहीं होती है, थोड़ा भी प्रेशर डालने से टूट जाती है, और इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस कोमर बेल्ट का डाई भी निकल चुका है और एक पार्ट निकालेंगे। बस इसमें बाजूबंद है, चुड़िया है और गले का चेक है, अभी चेक बना रहा हूँ, उसके बाद चूड़ियाँ बनाएंगे और बाजूबंद बनाएंगे, दो साइड में दो छोटा छोटे डिजाइन है वो भी बनाएंगे। बस अभी चूड़ियाँ बना रहा हूँ। कितना भी प्रेशर डाल सकते हैं, आपको शायद पता होगा जितना अच्छा से प्रेशर होगा उतना अच्छा नीट और क्लीन डिजाइन आपका आएगा, इसलिए आपको प्रेशर कितना भी डाल सकते हैं, कोई डर नहीं है। जो टूटने वाला चीज़ है टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितना भी प्रेशर से आप इसमें प्रेशर डाल सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा।
ये वाला भी अच्छा है, छोटा छोटा झुमका का डिजाइन है। अभी इसको रिलीज़ करेंगे, क्या ओपन करेंगे। ऐसा ओपन करने से पहले आपको ऐसा धीरे धीरे मिट्टी से उसको पहले लूज़ कर लेना पड़ेगा, ढीला कर लेना पड़ेगा, तब वो अच्छा से आसानी से निकल सकते हैं। बस हो चुका है, बस देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से निकल चुका है। अभी एक कपड़ा का लेस बन रहा है, एक कपड़ा का लेस को भी आप चूड़ी चूड़ी में यूज़ कर सकते हैं। कुछ अगर कुछ बड़ा मूर्ति बनाए हैं तो उसमें एक कपड़ा का लेस आप चूड़ी भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट आइटम में मैं मिट्टी दबा रहा हूँ, ये लास्ट डाई है। इसमें टोटल 18 डिजाइन है। आप घर बैठ के ऐसा वाला डाई का डिज़ाइन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप बात कर सकते हैं। आपको घर तक बिना कोई टेंशन से आपका घर तक छोड़ दिया जाएगा ऐसा वाला डिज़ाइन का वीडियो डाई सॉरी ऐसा वाला डिज़ाइन का डाई आपका घर तक छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा डाई में आपको कुछ भी डिजाइन बनाना है तो वो मिट्टी आपका बहुत घाट रहना चाहिए, घाट मिट्टी बगैर इसमें से पीस निकलना मुश्किल होगी सर। बस हो चुका है पूरा डिजाइन का रिलीज। एक कमर बेल्ट, ये हार का सेट है, ये मुकुट का सेट है, ये चूड़िया का सेट है, ये कान का झुमके हैं, ये पायल कंगना और आपका कपड़ा का लेस और एक लंबा झूरी है। ये पूरा डाई आप घर बैठ के ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर से संबंध कीजिए। आपको कैश ऑन डिलीवरी में आपका घर तक छोड़ दिया जाएगा और हल्का सा आपको एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस बगैर हम लोग कोई उनसे भी ऑर्डर पक्का नहीं समझते हैं। क्योंकि बहुत सारा आदमी ऐसा तो ऑर्डर कर देते हैं, जब सामान पहुंचते हैं बोलता है अभी पैसा नहीं है बाद में लेंगे बोल के रिजेक्ट कर देते हैं। तो जिसी का डर से हम लोग एडवांस लेना शुरू किया, पहले एडवांस नहीं लेते थे। तो आप भरोसा से आँख बंद करके एडवांस दे के आप बुकिंग कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस ज़्यादा नहीं। जो आदमी आपका पार्सल लेके आपका घर तक जाएगा उनका पास आपको फुल पे करना पड़ेगा। सोचिए कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन भरोसा के लिए आपको थोड़ा एडवांस करना ज़रूरी है। आप फ्रॉड मत सोचिए, कभी भी फ्रॉड नहीं हुआ मेरे से। जो 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 आदमी सामान लिया कोई भी आज तक मैं किसी को फ्रॉड नहीं किया। तो आप आराम से आँख बंद करके ऑर्डर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ।